मेघवाल का चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। रुड़करसर में किसानों के साथ फसल भी काटी है। ये तस्वीरें आपको अर्जुन राम मेघवाल की दिखा रहे हैं। फसल काटते हुए सरसों की ये फसल है, काटते हुए आपको किसानों के साथ अर्जुन राम मेघवाल दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों को पीएम मोदी की जो फसल बीमा योजना है उसकी जानकारी भी दी है अर्जुन राम मेघवाल ने। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा भी साथ में मौजूद रहे हैं। तो चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर इस बीच बताते चलें कि आज होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक, जिसमें कांग्रेस की बची हुई राजस्थान की बची हुई 15 सीटों को लेकर मंथन होगा और उसके बाद संभवतः आज ही राजस्थान की बची हुई 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकेगा। कल राजस्थान के कैंडिडेट के नाम पर फैसला नहीं हो सका था। कल सीईसी की बैठक जरूर हुई थी लेकिन तेलंगाना राज्य पर ही संभवतः उस बैठक में चर्चा ज्यादा हो सकी। समय बीत गया इसलिए राजस्थान की बची हुई सीटों पर चर्चा नहीं हो पाई और इसीलिए राजस्थान को लेकर आज सीसी स्थगित कल हो गई थी, लेकिन 15 जो सीटें हैं उसको लेकर सीसी की बैठक आज फिर से होगी। 15 सीटों के प्रत्याशियों पर मंथन होगा। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर ये? अब ये तो वो बताएंगे तब। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर ये? अब ये तो वो बताएंगे तब। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर ये? अब ये तो वो बताएंगे तब। और इस बीच जयपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज रहेंगे। 10 बजे झुंझुनू पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल उदयपुर और जोधपुर के दौरे पे थे और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अलवर सीकर झुंझुनू क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे और साथ ही 11 बजे कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। फिर दोपहर 2 बजे चूरू पहुंचेंगे। ये पूरा कार्यक्रम हम आपको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बता रहे हैं। क्लस्टर में बैठक में शामिल होने के बाद 2 बजे चुरू पहुंचेंगे, फिर बीजेपी की क्लस्टर और कोर कमेटी की भी बैठक वहां पर लेंगे। चुरू, श्री गंगानगर और बीकानेर के पदाधिकारी भी साथ में मौजूद रहेंगे, जहां पर चुनावी समर को जानने की कोशिश उन पदाधिकारियों के द्वारा की जाएगी। शाम को अजमेर भी जाएंगे सीएम और फिर पुष्कर में अजमेर, नागौर और राजसमंद सीट को लेकर भी बैठक करेंगे। साथ ही इस बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 3 जिले के दौरे पर। और इस बीच कोटा से भी बड़ी खबर आ गई है जो आपको बताते चले, जहां पर कोचिंग छात्रा के अपहरण मामले में अपडेट आया है निकल के कि 30 घंटे के बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा। छात्रा की सूचना देने पर पुलिस ने 20,000 का इनाम तक घोषित कर दिया है और इसके बाद जब 30 घंटे बीत गए और पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा, इस वजह से छात्रा के परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। देश के 3 बड़े शहरों में पुलिस की जो टीमें गठित की गई थी वो पहुंच चुकी। पिता को बदमाशों ने धमकी दी थी 30 लाख रुपए की और कहा था कि अगर फिरौती नहीं मिली तो बेटी का कटा हुआ सर यानी लाश भेजा जाएगा। इस वजह से परिजन हो गए परेशान। फिर तलाशी अभियान शुरू। पुलिस को जैसे मिली जानकारी टीमें गठित करके कई जगह पर पुलिस सर्च अभियान चला रही है, लेकिन 30 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया छात्रा का और जिस वजह से परेशानी परिजनों की बढ़ती चली जा रही है और साथ ही गुस्सा भी। दस से 15 बाकी हैं, यानी कि 10 सीटें राजस्थान में बीजेपी की और 15 सीटें कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में नामांकन शुरू हो गया लेकिन प्रदेश की 25 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नजदीक है पहला फेज, 25 सीटों पर फंसा पेच, दावेदारों की धड़कन तेज। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इनमें से 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर,
दौसा और नागौर लोकसभा सीट शामिल है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की एक एक सूची जारी कर चुके हैं। इनमें बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 योद्धाओं को राजस्थान के रण में उतार दिया है। कांग्रेस के 10 में से 6 प्रत्याशी पहले चरण में चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने जिन 15 नामों का ऐलान किया उनमें से भी 6 प्रत्याशियों के चुनाव पहले चरण में होने हैं। इनमें बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अलवर से भूपेंद्र यादव, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, भरतपुर से रामस्वरूप कोली, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती और नागौर से ज्योति मिर्धा के नाम शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 15 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम के पत्ते नहीं खोले हैं। श्रीगंगानगर, इस सीट पर फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि बीते 2 लोकसभा चुनाव से ये सीट बीजेपी के नाम रही है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस बार यहां से अपना टिकट बदल सकती है। झुंझुनू, कांग्रेस ने सीट पर अपने मौजूदा विधायक ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया है। ओला इस सीट के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। सीकर, बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद स्वामी सुमेधानंद को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यहां का टिकट होल्ड पर रखा है। माना जा रहा है कि अगर सीपीएम और कांग्रेस में गठबंधन हुआ तो यहां कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। जयपुर ग्रामीण सीट, इस सीट पर दोनों ही दलों ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण सीट से जुड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता लालचंद कटारिया को पार्टी में शामिल कर लिया है। संभावना है कि कटारिया इस सीट पर चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस यहां किसी युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। जयपुर, यहां भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। यहां बीजेपी के रामचरण बोहरा वर्तमान में सांसद हैं, जो लगातार 2 बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। करौली धौलपुर, यहां भी दोनों ही प्रमुख दलों ने अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार यहां टिकट बदलने की संभावना जताई जा रही है। दौसा सीट पर कांग्रेस अपने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतार चुकी है। वहीं बीजेपी इस बार यहां पर टिकट बदलने की तैयारी में है। मौजूदा समय में बीजेपी की जसकौर मीणा यहां से सांसद। नागौर लोकसभा सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने यहां ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। इस क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता हनुमान बेनीवाल भी इस लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुके हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP का यहां पर मजबूत जनाधार है। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और इन सीटों पर टिकट फाइनल न होने से दोनों ही दलों के दावेदारों में टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।